हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अपने फार्म पे आया हूँ। अपने फार्म में आने के बाद मैं अपने मुर्गियों को जो वेस्टेज होता है घर का वो डाला हुआ है, सड़ी पड़ी सब्जी थी वो डाली है। और उसको डालने के बाद इनका नज़ारा आप देख सकते हो, कैसे झुंड बनाकर खा रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं। इधर पानी लगाया हुआ है, तरबूज भी डाला इनको, और हाइड्रोपोनिक्स तरीके से तैयार की हुई बीट ग्रास भी इनको डाली है। जैसे वो देख रहे हो वो खाए जा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। बहुत गर्मी है आज, हांप रहे हैं और अपने पंखों को भी खोल रखा है इन्होंने। ये गर्मी की निशानी होती है, जैसे ये बाइट वाला, देखो कैसे इसके इसने अपने पंख को खोला हुआ है। जे आज 90 डे का माल हो चुका है और अच्छी ग्रोथ पे है। अगर कोई मेरा भाई देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम पूरी जानकारी उनको देंगे। तरबूज भी डाला और ये कैसे खा रहे हैं। इधर देखते हैं, ये मेरा पूरा मीन्स जो मेरे फार्म में माल पड़ा हुआ है, अभी 150 के करीब जो छोटा चिक्स है वो घर पर निकल गया है मेरे इनक्यूबेटर मशीन से। वो भी लग जहाँ पे ला देंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। जहाँ पे अगर कोई भाई पहली बार हमारे चैनल पे आया है, पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल के साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। हाँ जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ये देखो कैसे नांगा है, वो चीने रंग का है, वाइट है देसी में। और इनके सर के ऊपर कगली के साथ साथ पंख भी, बाल भी है कुछ, पुरानी नस्ल होती है देसी में। हाँ फ्री है ये बहुत आज। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक पहुँचे।